आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। नगर निगम के मुख्य सैनिटरी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार को संरक्षण देने वाले अधिकारियों व भाजपा नेताओं को भी गिरफ्तार करने व सुधीर की संपत्ति की जांच करने की करी मांग। पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर सुधीर नगर निगम में जेबीएम कंपनी व पूजा कॉन्सोलेशन कंपनी के भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड था। नियमों के विरुद्ध पानीपत में तैनात था। यह सफाई ठेकेदारों व निगम अधिकारियों के बीच घूस पहुंचाने का काम करता था। गत 31 अगस्त को रिटायर्ड होना था, लेकिन घूसखोरी की ऐसी लत लगी थी कि स्थानीय भाजपा नेताओं व अधिकारियों के संरक्षण में पहुँच से 2 वर्ष का सेवा विस्तार ले आया। कपूर ने गत वर्ष आरटीआई दस्तावेजों से करोड़ों रुपए के कूड़ा घोटाले का खुलासा करने के बाद वर्ष 7 सितंबर को निकाय मंत्री अनिल विज व डीसी को शिकायत की थी। इस शिकायत में मुख्य सफाई निरीक्षक सुधीर को घोटाले का मास्टरमाइंड भी बताया गया था। 7 महीने बीत गए, लेकिन जांच अधिकारी एवं एडीसी इस घोटाले की जांच को दबाए बैठे हैं। कपूर ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार मुख्य सफाई निरीक्षक सुधीर कुमार की आय से अधिक करोड़ों रुपए की संपत्ति है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस घूस के बड़े खेल में संलिप्त राजनेताओं व निगम अधिकारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच कर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पानीपत के बीजेपी के विधायक श्री प्रमोद विज के चहेते और बीजेपी के जो सांसद हैं संजय भाटिया, उनके भी चहेते चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर नगर निगम पानीपत को कल स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने 13,70,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भाजपा के विधायक और सांसद दोनों का इसको संरक्षण प्राप्त था। ये महाभ्रष्ट अधिकारी पिछले 20 सालों से नगर निगम में ड्यूटी कर रहा था और हमने इसके खिलाफ पिछले साल सितंबर में शिकायतें करी थी लिखित तौर पर कि ये पानीपत नगर निगम जो कि चंबल घाटी बन चुकी है उसका ये मास्टरमाइंड है, सबसे बड़ा डकैत है ये, और जितने भी अधिकारी आते हैं उनको ये मंथली पहुंचाता है और पानीपत के अंदर जेबीएम कंपनी जो करोड़ों रुपए हर महीने लूट कर खाने लग रही है और उसके साथ में पूजा कॉन्सोलेशन कंपनी का जो मालिक है राजकुमार हुड्डा जो घोटाला कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, ये उसमें बिचौलिए का काम करता था ये सुधीर कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।